अठाश ठाकुर का उत्सव करना है, आप लोग भिक्षा प्रदान करो। और उस समय जितने भी व्यापारी हैं सबों ने जगन्नाथ जी के प्रसाद के हड़िया की हड़िया ला करके श्रीमद महाप्रभु को दे दी। और श्री महाप्रभु ने उस समय सब भक्तगणों को विराजमान करके अपने हाथ से परिवेशन किया। और श्री हरदास ठाकुर का कांदा उत्सव, हरदास ठाकुर का उत्सव श्री महाप्रभु ने अपने हाथ से किया। हरदास ठाकुर के उत्सव में कौन सम्मिलित नहीं होगा, जिनके हरदास मात्र कहने मात्र से ही अपूर्व प्रेम की प्राप्ति हो, हरदास ठाकुर की ऐसी महिमा, तो वे हरदास ठाकुर की महिमा तो अद्भुत होकर के विराजमान, नामाचार्य होकर के श्री हरदास विराजमान। तो प्रहलाद समानता गोले तरण यवन ताल में नहीं या नायु भुवन, श्री हरदास ठाकुर प्रहलाद के समान है। 22 बजाओं में यवन जल्लाद जिनके ऊपर कौड़ा मार रहे हैं, जिनके ऊपर भेद मार रहे हैं, परंतु जिनकी भुवन पीढ़ी नहीं ते वो सिद्धि पाएंगे। जब श्री हरदास ठाकुर ने सिद्धि प्राप्त की, उसने सिद्धि के समय भी ताल देह लिया कोले, श्रीमद महाप्रभु ने श्री हरदास ठाकुर के देह को अपनी गोदी में उठाया, ताल देह लिया कोले गोदी, अपनी अंक में धारण करके, अपने हाथ में गोदी में धारण करके नाचला चैतन्य प्रभु महाकौतूहले, श्रीमद महाप्रभु श्री हरदास ठाकुर के श्रीअंग को लेकर के नाचे, परम कुतूहल पूर्वक नृत्य कर रहे हैं। ताल लीला बढ़िया छे, बढ़िया छे। श्री वृंदावन दास ने उस लीला का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, मैं तो उसका केवल सूत्र मात्र दे रहा हूं। ये अवशिष्ट आगे कर प्रकाश, कुछ लीला बाकी है उनको आगे भी प्रकाश करूंगा। अर्थात कैसे श्री हरदास ने महाप्रभु से एक दिन वरदान मांगा कि मुझे, मैं आपकी विरह लीला नहीं देख सकता हूं, पहले मुझे आप भेज दो, मुझे इसकी अनुमति प्रदान करो। स्वेच्छा मुक्ति होकर के जो विराजमान है श्री हरदास, उनका क्या कहना। ताल उपशाखा यत कुलीन ग्रामी, तो ताल उपशाखा यत कुलीन ग्रामी जान, अब कुलीन वासी जितने भी जन हैं सत्यराज बसु आदि ताक कृपा भाजन, ये सब भी श्री हरदास के परम कृपा भाजन होकर के विराजमान, श्री महाप्रभु के कृपा भाजन होकर के विराजमान। और महाप्रभु आगे कहते हैं कुलीन वासी ग्राम जनों के लिए कि कुलीन ग्राम के कुक्कुर वो भी मुझे अत्यंत अत्यंत प्रिय, साथ में इतना प्रेम महाप्रभु का, महाप्रभु ये कह रहे हैं कि कुलीन गांव के जो कुकुर है वो भी मेरे अत्यंत अत्यंत प्रिय होकर के विराजमान। सत्यराज खान प्रभृति अनेक अनेक भक्तगण ये श्री महाप्रभु के परम परम प्रिय होकर के विराजमान, महाप्रभु का परिकर अपूर्व रूप से बदान कृपालु होकर के विराजमान, जो संपूर्ण सबको प्रेम का दान करते हुए विराजमान हो रहा है। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर और महाप्रभु के चरित्र कहां तक वर्णन किए जाए, निताय गौर हरि प्रेमावकाश कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा।